लोगों का देवमान फिटनेस ऑन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम देवमान सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं देवमान फिटनेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है हमारी चिक पीस पर, या ग्राम सीड या फिर देसी चना बोल दीजिए। तो इसकी जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और बॉडी बिल्डिंग के लिए, और आपको अपना स्टेमिना गेन करना है, स्ट्रेंथ गेन करनी है, या फिटनेस लाइन में जाना है, तो ग्राम सीड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ओट्स के पीछे भागते हैं, ग्राम सीड्स को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, क्योंकि बल्कि ग्राम सीड्स में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन फैक्ट होता है कंपेरेटिवली ओट्स के। तो देखिए, जो ग्राम सीड्स हैं तो ये कौन सी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेम्बर्स हैं। ये तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेम्बर्स में ये क्वालिटी होती है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में कैपेबल होते हैं। बाकी प्लांट्स में नहीं होता ऐसा, लेकिन इनके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ होती है। अगर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी बढ़ेगी इनके अंदर। नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो एमिनो एसिड फॉर्मेशन होगा, एमिनो एसिड फॉर्मेशन से आगे प्रोटीन बनेगा। तो इन प्लांट्स के अंदर आपको, इनके जो सीड्स होते हैं उनके अंदर आपको प्रोटीन की कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मिलेगी कंपेरेटिवली दूसरे प्लांट्स से। ठीक है, यदि आप दोनों के बीच में कंपेयर कर लीजिए, ओट्स के बीच में या फिर ग्राम सीड्स के बीच में, तो उसमें आपको प्रोटीन कंटेंट किसके अंदर ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को, ग्राम सीड के अंदर। लगभग मान लीजिए 100 ग्राम अगर मैं कंज्यूम करता हूँ चिक पीस, तो उसके अंदर मेरे को 90 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 19। ठीक है, और साथ ही साथ अगर ओट्स कंज्यूम करूँ तो उसके अंदर 2.1 या 2.5 के करीब प्रोटीन मिलेगा। तो देख लीजिए प्रोटीन कंटेंट किस में ज़्यादा है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसमें। मिनरल न्यूट्रिशन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे इसमें आप लोगों को, कैल्शियम भी मिलेगा इसके अंदर आपको। तो सबसे पहले इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमें। ओके, तो आप देख सकते हैं ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं किसके, चिक पीस के। तो उसका जो सोर्स है वो किससे लिया गया है, USAID से। USAID का मतलब है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो मान लीजिए अगर आप 100 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं, तो 100 ग्राम के अंदर देखिए आपको 364 कैलोरीज मिलेगी। तो मेन मुद्दे पर आते हैं अपने प्रोटीन की, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में से पहले बात करते हैं अपन लोग, है ना। तो प्रोटीन देखिए, इसके अंदर 19 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, 38% है। और कार्बोहाइड्रेट्स में तो देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट इसका 68% है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और 61 ग्राम है, तो 68 नीचे थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया ये। और डाइट्री फाइबर्स है वो 20% है, ठीक है। तो ये देखिए डाइट्री फाइबर्स, अगर मान लीजिए किसी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। और वैसे फैट्स तो कम ही है इसके अंदर, 3% है, जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ अगर इसकी आप विटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको विटामिन B6 कितना 25% देखने को मिल रहा है ना, और विटामिन C 6%, विटामिन A 1%, तो काफ़ी कम है विटामिन ए वैसे। और आप अगर मिनरल्स की बात करें, तो मिनरल्स के अंदर इसमें आपको आयरन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 34%, और कैल्शियम 10%। तो कैल्शियम होता है इसके अंदर, मान लीजिए किसी कैल्शियम की डेफिशिएंसी, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। और मैग्नीशियम भी इसमें काफ़ी अच्छा है, 28%। तो ये होगी इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी की बात। तो अगर आप इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी ओट्स के साथ मैच करोगे तो ये विनर होगा बिल्कुल। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, ठीक है। बाकी ओके, बाय।